हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम बैक टू हॉर्टिकल्चर रिजुवेनेशन। आज हम साइप्रस की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था साइप्रस प्रॉब्लम करके, उसमें मैंने शेयर किया था कि प्लांट रूट बाउंड हो गया है और इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। लास्ट ईयर इसकी रिपोर्टिंग हुई थी, पर एज पर ये बड़ा हो रहा है और जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेस में रूट एक्सपैंड हो रहे हैं, तो उस रीज़न से रिपोर्ट करना ज़रूरी हो गया है ताकि इसकी ग्रोथ बेटर हो। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे एंड इन द मिडस्ट ऑफ रिपोर्टिंग मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग जो ज़रूरी है। सेंसिटिव प्लांट है और आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। वी आर शिफ्टिंग द प्लांट फ्रॉम 14 इंचेस ऑफ पॉट टू 18 इंचेस ऑफ पॉट। When it comes to repotting, it is very important to understand that repotting should be done during growing period. And the reason is the expansion of roots. The plant is more likely to settle during growing period. रिपोर्टिंग ऑफ प्लांट इज नॉट लेस देन एन ऑपरेशन। सो अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो एक अलग मीडियम प्रोवाइड होता है प्लांट को सॉइल का, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि सॉइल कितना ड्राई हुआ है, प्लांट किस स्टेट में है। क्योंकि जब प्लांट सेटल हो जाते हैं तो इट इज़ मोर लाइकली टू अंडरस्टैंड कि सॉइल कितने ड्राई हुए हैं। करीब 20 से 25 दिन लगते हैं प्लांट को सेटल होने में। उसके बाद धीरे धीरे जब सेटल हो जाते हैं प्लांट तो बाकी सॉइल से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो शुरू में तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं बाकी सॉइल से, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि सॉइल कितना ड्राई हुआ है। सो वन ऑफ द रीज़न इज़ यू हैव टू डू रिपोर्टिंग ड्यूरिंग मॉनसून। अगर आप ऑटम में रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप रिपोर्ट कर लिए हैं और पानी नहीं गिर रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 2-3 दिन प्लांट को वाटर रेगुलरली दे सकते हैं, फिर एक दिन स्किप कर दीजिए। उसके बाद आप रेगुलर पानी दीजिए 3-4 दिन, उसके बाद एक दिन फिर स्किप कर दीजिए। शुरू में आप प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, कम से कम एक हफ्ते तो रखिए। उसके बाद आप धीरे धीरे डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट करिए। एज पर आप डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट करेंगे तो आप रेगुलर पानी डालिए। ये तब की बात बता रहा हूँ जब टेम्परेचर मैक्स चल रहा हो 33 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ। अगर टेम्परेचर कम है तो आप अल्टरनेट डेज पे पानी डाल सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बिकॉज टेम्परेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो द बेस्ट केस सिनेरियो इज
डू रिपोर्टिंग ड्यूरिंग मॉनसून।